कोरोना के खिलाफ जिंदगी ने जीत दर्ज की, गोपाल राठौर हॉस्पिटल से रिलीफ, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने दी शुभकामनाएं। बिजली बिलों का बवाल, शहर कांग्रेस ने की बिल माफी की मांग, किसानों के हक में ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने भेजी मदद, रेलवे हेल्थ यूनिट को मिले पीपीई किट। और कड़वी सच्चाई भुगत रहे कोरोना वॉरियर्स, बड़े बड़ों के वादे और दावों के बीच दरबदर भटक रहे स्वच्छता के सैनिक। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं निहारिका विश्वकर्मा, और अब खबरें विस्तार से। आइसोलेशन वार्ड और लंबे ऑब्जर्वेशन तथा सैंपल्स की रिपोर्ट्स नेगेटिव आने की हर तसल्ली के बाद संक्रमण के खिलाफ जंग जीत कर स्वस्थ हुआ गोपाल जब हॉस्पिटल से रिलीव हुआ तो खुली हवा में दुनिया उसे जन्नत सी लगी। गोपाल राठौर अपने मित्र किशन लाल द्वारा संक्रमित हुए लोगों में से एक है जो पूरी तरह स्वस्थ होकर घर के लिए रिलीव हुआ, तो हॉस्पिटल के चिकित्सकों डीन डॉक्टर जीबी रामटे के, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, एडीएम राजेश बाथम, एसडीएम अतुल सिंह सहित जनप्रतिनिधियों ने शुभकामनाओं सहित विदा किया। हमारे लिए एक अच्छा खुशी का दिन है कि हमारा एक और पेशेंट था जो पहले क्वारंटाइन में था, जो कुछ हद तक अपने पुराने फर्स्ट पेशेंट से रिलेटेड था, उसका आज रिपोर्ट नेगेटिव आया है। और इतना ही नहीं, दो कंसेक्यूटिव रिपोर्ट्स उसकी नेगेटिव आई है। सो उस तरह से अपन बोल सकते हैं फुल्ली क्योर हो गया है। उसका आज डिस्चार्ज था। अब उसके बाद उसको प्रोटोकॉल के हिसाब से 14 दिन का क्वारंटाइन रखना पड़ेगा। पेशेंट अभी बिल्कुल स्वस्थ है, जिस दिन भर्ती था उस दिन भी स्वस्थ था, और आज भी उसको प्रॉपर इलाज करके आगे और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो उसके लिए ट्रीटमेंट दिया गया है। अब वो स्वस्थ हो गया है और आज खुशी की बात है कि वो डिस्चार्ज हो रहा है। किशन लाल जी के पिताजी थे और वो भी एक फर्स्ट सैंपल जो उनका नेगेटिव आ गया है, सेकेंड सैंपल जो उन्होंने हमने जो गोकुल घाट में भेजा था तो वो उसका क्वालिटी कंट्रोल फेल हो गया है। पर उम्मीद है कि आज भी सैंपल लेवल्स रिपीट किया हम लोगों ने, और उम्मीद है कि वो भी कल शाम तक नेगेटिव आएगी, तो उसको भी रमेश को भी हम लोग जल्दी प्लान डिस्चार्ज करने का प्लान है। बाकी रमेश की स्थिति भी अभी काफ़ी कुछ अच्छी है, कोई अभी बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, आराम से घूम फिर रहा है, अभी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, और ऑक्सीजन सेचुरेशन भी मेनटेन कर रहा है। जिला अस्पताल से आज हमारे एक कोरोना पेशेंट गोकुल राठौर को स्वस्थ होने के उपरांत और उनकी लगातार दो रिपोर्टें निगेटिव आने के बाद आज यहाँ से एक छोटा सा आयोजन करके विदाई दी गई, तो वो स्वस्थ होके अपने घर गए। अभी तक 3 पेशेंट स्वस्थ होके यहाँ से जा चुके हैं, एक चौथे पेशेंट जो रमेश हैं उनकी भी एक रिपोर्ट निगेटिव आ गई है, दूसरी रिपोर्ट आज सैंपल भेजा गया है, जैसे उनकी आती है उनको भी यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से उन्हें उनके परिवार को शुभकामनाएँ, साथ ही जो हमारा मेडिकल स्टाफ, चाहे वो हमारे डीन साहब हों, चाहे सिविल सर्जन हों, चाहे CMHO हों, उनकी पूरी टीम हो जो कोरोना पेशेंट्स के इलाज में लगातार अपने को लगा के और पूरा उनको स्वस्थ करने में पूरा दिल से काम कर रहे हैं, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। छिंदवाड़ा वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, आपने लॉकडाउन का पालन किया और हम निरंतर ग्रीन जोन की ओर अग्रसर हैं। छिंदवाड़ा के सभी
नागरिकों से अपील है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, जिससे कि हम छिंदवाड़ा को अब कोरोना मुक्त बनाने में सफल हो सकें। धन्यवाद। छिंदवाड़ा की बेटी और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके कोरोना संकट काल में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए रायपुर में हैं, लेकिन उन्हें अपने छिंदवाड़ा की पूरी फिक्र है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके द्वारा प्रदत्त पीपीई किट छिंदवाड़ा रेलवे हेल्थ यूनिट में चिकित्सकों तथा स्टाफ को वितरित की गई। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और रेलवे जोनल मेंबर सत्येन ठाकुर ने ये पीपीई किट यूनिट मेंबर को सौंपी। हमारे जिले की बेटी एवं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी के द्वारा आज रेलवे हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और सभी कर्मचारियों के लिए पीपी किट भेजी हुई है। मैं राज्यपाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि निरंतर जब से कोरोना महामारी का हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है, वो छिंदवाड़े के लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो आज उसी श्रृंखला में आज यहाँ पर पीपी किट बांटी गई है। मैं सभी डॉक्टर्स का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस महामारी में वो अपनी जान की बाजी लगा करके आज इस हम लोगों की मदद कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, सभी का धन्यवाद। बेटी छत्तीसगढ़ की महामहिम सुश्री अनुसुईया उइके जी द्वारा जिले की जनता, गरीबों, मजदूरों के साथ साथ जिला प्रशासन का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में सुश्री अनुसुईया उइके जी के द्वारा छिंदवाड़ा रेलवे अस्पताल के लिए पीपी किट भेजी गई है, जो आज हमने भाजपा के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी, रोटरी क्लब अध्यक्ष अर्पित नेमा जी, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष संतोष पटेल जी और रेलवे के समस्त स्टाफ के साथ हमारे द्वारा यहां बांटी गई है। और हम डॉक्टरों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, जो कोरोना की आपदा में अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। कलेक्टर सौरभ सुमन ने राज्य सरकार की विभिन्न कृषि एवं कृषकों संबंधी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विभागीय बैठक लेकर समीक्षा की और जरूरी निर्देश प्रदान किए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश तथा कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारी मौजूद थे। इस बार लास्ट ईयर सर हमारी कृषि टारगेट आना भी बढ़ाते दिया थे सर, इस बार पिछले साल के मुख्यमंत्री की तुलना में लास्ट ईयर सर पूरे इसका रबी का वितरण था सर 22,000 था। आपका रकबा बढ़ा है तो डिमांड बढ़ेगा, जी उसी हिसाब से हमने तैयारी भी करनी थी सर, बहुत ईयर करने से। बिजली का उपभोग हुआ है तो बिल तो आने ही थे, लेकिन इतने लंबे चौड़े बिलों की उम्मीद किसी को ना थी। अब ये बिजली बिल जहां एक ओर उपभोक्ताओं के लिए बवाल बन गए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने बिल माफ किए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। शहर युवा कांग्रेस ने अध्यक्ष पंकज शुक्ला के नेतृत्व में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। आज शहर कांग्रेस के हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे पार्षदगण, हम सभी यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार के द्वारा जो बिजली के बिलों में भारी उठापटक की गई है, हेरा फेरी की गई है और औसत के नाम पर जो बिल दिया गया है उसके विरोध में हम सभी आज माननीय जिलाध्यक्ष महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। इंदिरा गांधी ज्योति योजना जिसमें कि 100 रुपये 100 यूनिट का बिल माननीय कमलनाथ जी नया सवेरा के नाम से जो योजना थी उसको प्रचलित किया था, उस योजना को बदले की भावना के स्वरूप मुख्यमंत्री जी ने बंद कर दिया और उसके एवज में आज ये जो बिल थमा रहे हैं, घरों के बिल 9-10 हज़ार रुपये आ रहे हैं औसत के नाम पर जो ये वसूली हो रही है, इसका हम घनघोर विरोध करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार हम सभी यहाँ पर जिला अध्यक्ष महोदय से लॉकडाउन की जो समय अवधि है 3 महीने, इसका बिल माफ़ कराने के लिए यहाँ पर हम लोग ने ज्ञापन आज कलेक्टर साहब को हम सौंप रहे हैं। और अगर इस पर कार्रवाई मुख्यमंत्री जी द्वारा नहीं की जाती लॉकडाउन के बाद, इसका पूरे प्रदेश में घनघोर विरोध किया जाएगा।
ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण इकाई छिंदवाड़ा के अध्यक्ष अमित सक्सेना एवं प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं के निराकरण की मांग की है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही और खासकर ये बिजली बिल का बहुत गंभीर विषय है, इसमें आप जरूर ध्यान दीजिए और जो ट्रांसफार्मर वगैरह खराब हो रहे हैं उनको बदल दें, और साथ में जो मीटर वाचक लोग हैं संविदा पे थे, इन लोगों ने भी बताया कि इनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो दो महीने लॉकडाउन राज्य सरकार ने करी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी, सब ने किया। तो आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा निगम ग्रामीण और ग्रामीण छिंदवाड़ा ग्रामीण के तत्वाधान में यहाँ पर ऐसे साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि वर्तमान में बिजली के बिल जो है एवरेज के आधार पर दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों का 100 रुपये का बिल आ रहा था उनको 1000 का, और जिनका 200 आ रहा था उनको 1500, 1600 और 2000 तक के बिल दिए गए हैं, और कई लोगों को 5000, 7000 के बिल आए। तो हमने इसका विरोध किया है कि ये जो बिल हैं तत्काल इनको वापस लिया जाए और इनकी औसत को सुधार के और जो वास्तविक बिल हैं वो जनता से लिए जाएं, क्योंकि इतना बिल अभी लॉकडाउन के कारण सबके काम धंधे बंद हैं, रोजगार बंद है, किसानों का फसल नहीं बिक रही है, तो कोई बिल इतना नहीं पटा सकता। तो इस बात का हमने विरोध किया है और साथ में ये चेतावनी भी दी है कि अगर इसके बाद भी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कंपनी कर्मचारी यदि किसी प्रकार भी कोई लाइन को काटेंगे तो जो है इसका जवाब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता करारा जवाब देंगे और किसी की लाइन को काटने नहीं दिया जाएगा। और मैं जनता से भी अनुरोध करता हूं कि जिनको गलत बिल मिले हैं वो बिल्कुल उसको ना भुगतान करें, बल्कि अपनी आपत्ति तत्काल बिजली ऑफिस में दर्ज कराएं, और उसके बाद भी यदि आपके बिल में सुधार नहीं होता तो आप बिल मत पटाइए, और कि सब लोग एक साथ रहोगे और किसी की लाइन को नहीं काटने देंगे। साथ में अभी जो अव्यवस्थाएँ चल रही हैं, अभी मीटर वाचकों का वेतन नहीं दिया गया, वो उनकी रीडिंग जो करते हैं उन लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, और साथ में बार बार गांवों में लाइन ट्रिप हो रही है, बार बार बिजली ख़राब हो रही है, उसके बाद भी जो है प्रशासन और विभाग जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। आगे चल के इसके लिए आंदोलन की स्थिति बनेगी और उसके लिए जवाब दे फिर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कंपनी और साथ में हमारे प्रशासन की जवाबदेही होगी। कोरोना के फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है सफाई कर्मियों का। बिना पीपीई किट सीधे इनका सामना होता है हर तरह के कचरे और गंदगी से, लेकिन निगम और ठेका कंपनी ने 400 सफाई कर्मियों को उनके हाल पर छोड़ दिया है नौकरी से बेदखल करके। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में तालियों से ज्यादा जरूरत उन पैसों की है जिनसे इनका घर चलता है। इन्हें उम्मीद थी कि बड़ों ने कहा है नौकरी नहीं जाएगी, अब जब चली ही गई है तो बेचारे दर बदर भटकने को मजबूर हैं। देखो भैया, राजनीति वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस ने सोचा कि हम लोग लोगों को रोजगार दें, और लगभग आपके 235 लोग इसमें रोजगार पे लगे हैं ना, कि दूरदृष्टि थी कि भाई लोगों को काम मिलेगा। आज आपको काम मिला और बिना कोई एक रुपए दिए आपको नौकरी नहीं मिली, आपने कोई पैसा दिया नहीं। हमारे नकुल नाथ जी खुद चाहते थे कि लोगों को नौकरी मिले, और बात ठेके की बिल्कुल नहीं थी, और सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त हो, और आप लोग भी बड़ी मेहनत से काम कर रहे थे, सफाई व्यवस्था दुरुस्त भी हो रही थी। परंतु आज स्थिति यह है कि जिन लोगों ने बंद किया, जिनके हाथ में अब नया शासन है, उनकी न तो कोई नीति सामने आई है, न कोई इसमें कोई उनका स्पष्ट निर्देश आया। भाई कोई नीति होती है, एक नीति होती है कि नहीं है हमारा, एक होती है हमारा है, ऐसी कोई नीति नहीं। लेकिन हम आपके साथ पूरी तरीके से हैं, आपकी बात को हम आपके मुद्दे को उठाने के लिए तैयार हैं। समय तय कर लीजिए, अपन कमिश्नर से एक बार बात करें। छोटी सी बच्ची है, 5 साल की, बोलना चाहिए तो 4 बजे रात से उठ के, मैं इसमें काम ठेके पे लगी थी तो मैं 4 बजे रात से उठ के मैं जाती थी क्योंकि टाइम पे पहुँचना। अब ये बताओ इसमें नहीं, मैंने खुद देखा, मेरा भी वार्ड उसी में था। मेरा
नाम रंजीता तायवड़ है, मैं ग्राम गुरैया से आई हूँ। मैं यहाँ पे छिंदवाड़ा जिले में पिछले 4 महीने से नौकरी कर रही थी, सफाई कर्मचारी के ठेके, मतलब जो ठेका हुआ था कमलनाथ जी द्वारा, उसमें हम लोग सब लोग काम करते थे। हम कम से कम 400 वर्कर अभी इस समय में बेरोजगार खड़े हैं। अभी हमारी कंडीशन ये है कि हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है, ना हम लोग रूम से रहते तो हमको रूम का रेंज पटाने के लिए भी पैसा नहीं है हमारे पास में। और एकदम से हम मोदी जी ने बोला था कि इस लॉकडाउन के चक्कर में किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, प्राइवेट सेक्टर है चाहे सरकारी सेक्टर है। लेकिन हमारी कंपनी वालों ने ऐसा किया है कि क्या बोलते हैं, अचानक से बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सूचित किए हम लोग को 8 तारीख तक नौकरी करने दिए। और फिर रात को 9 बजे सुपरवाइजर द्वारा हमको फ़ोन आया और बोल दिए कि बोलो कोई नौकरी नहीं है, तुम्हारी ठेका बंद हो चुका है। बस मेरी इतनी गुजारिश है हमारे माननीय मोदी जी से कम हमको हमारा जो रोजगार था वो हमको वापस दिलाए, जिससे हमारा चूल्हा जलता था। नगर निगम में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे नेता, युवा नेता माननीय नकुल नाथ जी की स्पष्ट सोच थी कि लोगों की को नौकरियां हासिल होनी चाहिए। परंतु आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लॉकडाउन में बड़ी बड़ी घोषणाएं करने वाले मोदी जी, जिन्होंने कहा था कि किसी को निकाला नहीं जाएगा, प्राइवेट सेक्टर या कोई निजी सेक्टर या कोई सरकारी वो हो, इनको कोरोना योद्धाओं का नाम दिया गया था। और आज स्थिति यह है कि छिंदवाड़ा नगर निगम ने बिना किसी सूचना के कंपनी के साथ उनका जो विवाद हो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। हमारा सरोकार इस बात से है कि ये नौजवान लड़के, ये लड़कियां, जिन्होंने छिंदवाड़ा को नंबर वन बनाने के लिए रात दिन सफाई में मेहनत की, रात के 9-9 बजे तक सफाई में काम किया, परंतु आज उनको बिना किसी नोटिस के इस घोर संकट काल में निकाल दिया, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा निगम प्रशासन से सभी जो संबंधित अधिकारी हैं उनको हम ये चेतावनी देते हैं, अनुरोध के साथ चेतावनी देते हैं कि उन्होंने अगर इन भूखे पेटों में निवाला डालने के लिए, अगर इन सफाई कर्मियों को जिनको ये कोरोना योद्धा कहते थकते नहीं थे, अगर इन कोरोना योद्धाओं के लिए कुछ नहीं किया तो हम कांग्रेस जन ईंट से ईंट बजा देंगे और उनको सड़कों पर हमारे विरोध का, हमारे आंदोलनों का सामना करना पड़ेगा। हमारे नेता नकुल नाथ जी जो हमारे युवा सांसद हैं, उनके स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी छिंदवाड़ा का या मध्य प्रदेश का या पूरे देश का कोई भी व्यक्ति, अगर उसको ये रोजी रोटी पर कोई आँच आती है तो उसके हक में लड़ाई लड़ने के निर्देश हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने और माननीय नकुल नाथ जी ने दिए। अन्नदाता शक्ति संगठन ने गन्ना उत्पादक किसानों, बारिश में चमक विहीन हुए गेहूं तथा उपार्जन केंद्रों में लंबित भुगतान जैसी 5 अहम मांगे प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सरकार के समक्ष रखी है। अन्नदाता शक्ति संगठन ने शासन के समक्ष अपनी 5 सूत्री मांगे रखी है। हमने शासन से अनुरोध किया है कि किसान जिसका लगातार शोषण किया जा रहा है, ऐसे समय में जब किसान की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब है, तब हमारी इन मांगों के लिए हमने लॉकडाउन के पश्चात भव्य किसान आंदोलन की अनुमति चाही है। हमारी अन्नदाता शक्ति संगठन की ओर से किसानों के हित में 5 मांगे हैं। पहली मांग हमारी यह है कि गन्ना उत्पादक किसान जिनका भुगतान विगत कई महीनों से नहीं किया गया है, वो भुगतान अविलंब कराया जाए। दूसरा, चमक विहीन गेहूं की खरीदी का निर्देश संभागीय कमिश्नर जब विगत दिनों छिंदवाड़ा के दौरे पर आए थे तो उन्होंने अधिकारियों को चमक विहीन गेहूं की खरीदी के निर्देश दिए थे, परंतु चमक विहीन गेहूं खरीदा नहीं जा रहा है। कहीं 10% की बात की जा रही है, कहीं उसको टालम मटोल की जा रही है, यह खरीदी तत्काल आरंभ की जाए। साथ ही साथ जो उपार्जन केंद्र पर जो गेहूं खरीदी किया जा रहा है उसका भुगतान कई जगह 15 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 7 दिन में होता है, किसान को तत्काल राशि मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे ही उसने अपना गेहूं बेचा या अपना जो फसल बेची उसका तुरंत भुगतान उसको किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही किसानों को बिजली के अनाप शनाप बिल दिए जा रहे हैं, किसान वैसे ही बहुत हलाकान है और ऐसे समय में बिजली वसूली में बहुत सख्ती की जा रही। हम शासन से, विद्युत मंडल से मांग करते हैं कि एक तो बिजली के बिलों को सुधारने की त्वरित कार्रवाई भी की जाए, साथ ही जो बिल पटाने में सख्ती की जा रही है, सख्ती में राहत किसान को दी जाए। हमारे संगठन ने ये मांग की है
कि किसान को राहत प्रदान की जाए बिजली बिल में। साथ ही हमने जो पांचवा बिंदु तय किया है वो यह है कि किसान केंद्रों पर हमने देखा कि बारदाने और तुलाई की व्यवस्था न होने से अनेक गेहूं उपार्जन केंद्र, किसान की जो फसलों के उपार्जन केंद्र बनाए हैं वो बंद हो जाते हैं, तीन तीन दिन उनमें व्यवस्थाएं कायम नहीं हो पाती। चाहे हमारे भुताई का मामला हो, चाहे परासिया का मामला हो, हमारे ज़िले में अनेक ऐसे मामले प्रकाश में आए। तत्काल बारदाने की तुलाई की व्यवस्था की जाए और कोई भी उपार्जन केंद्र किसी भी वजह से बंद न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। यदि हमारी निम्न मांगों का निराकरण शासन शीघ्र नहीं करता है तो अब किसान के पास आंदोलन ही एकमात्र विकल्प है। और अन्नदाता शक्ति संगठन लॉकडाउन के पश्चात बड़े जोर शोर से किसानों के हित में भव्य आंदोलन करेगा। छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन उन स्टेशनों में शामिल नहीं है जहां ट्रेन की आवाजाही शुरू हो चुकी है। छिंदवाड़ा वासियों को रेल सुविधा के लिए अभी इंतजार ही करना होगा। छिंदवाड़ा का मॉडल रेलवे स्टेशन कोरोना संकट काल में टोटल लॉकडाउन के चलते सूना पड़ा है। यहाँ अगर कोई हलचल है तो वो है सफाई कर्मियों से और रेलवे के चंद अधिकारियों के आने जाने से। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ने बताया फिलहाल कोई उम्मीद नहीं। अभी पैसेंजर ट्रेन के बारे में लोगों को लगातार ये जानकारी मिल रही है कि शायद ट्रेन चालू होगी या नहीं होगी, तो इस संबंध में फिलहाल जानकारी यही है कि 30 जून तक के जो रिजर्वेशन थे वो सरकार द्वारा कैंसिल कर दिए गए हैं। और हमारे पास चूँकि एक ही मेल एक्सप्रेस आती है, बाकी सब पैसेंजर ट्रेन है, तो इनका कोई प्रोग्राम अभी दिया नहीं है। और ये लगभग निश्चित है, हमारा मेन ऑफिस नागपुर में है, वहाँ से गाइडलाइंस हमको मिलते रहती है समय समय पर। अब 18 मई तक हम आपको बता पाएंगे कि हमारी पैसेंजर ट्रेन या मेल एक्सप्रेस हमारे पास आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल तो यही है कि कोई भी ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन जिनमें शयन कक्ष मौजूद है, 30 जून तक वो कैंसिल है। और छिंदवाड़ा में चूंकि एक ही मेल एक्सप्रेस है तो लगभग ये पूरी उम्मीद है कि ये ट्रेन कैंसिल ही रहेगी। टोटल लॉकडाउन में छिंदवाड़ा ने शुरुआत से भी पहले से प्रशासनिक इच्छा शक्ति और सामंजस्य से व्यवस्थाओं का वहां मॉडल इस्टेब्लिश किया था, जिसे भोपाल, उज्जैन और इंदौर जैसे शहरों ने बाद में अपनाया। लेकिन जैसे जैसे चौथा चरण नजदीक आ रहा है, सिस्टमैटिक सिस्टम की कोई आहट तक नहीं है। ग्रीन जोन की हरियाली सड़कों पर दिखने लगी है। सड़कों पर सांप सीढ़ी के ऑब्स्टिकल्स सुरक्षा कम खतरा ज्यादा लग रहे हैं। जनता को उम्मीद है कि कोई क्रम जरूर बनाया जाएगा दुकानों के खुलने का। क्रमशः सप्ताह में या ऑड इवन फार्मूले पर किसी तरह आर्थिक गतिविधि वापस पटरी पर आएगी। हाँ, मॉनिटरिंग में मशक्कत जरूर बढ़ जाएगी।
चलते चलते एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और देख लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। कोरोना के खिलाफ जिंदगी ने जीत दर्ज की, गोपाल राठौर हॉस्पिटल से रिलीव, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने दी शुभकामनाएं। बिजली बिलों का बवाल, शहर कांग्रेस ने की बिल माफी की मांग, किसानों के हक में ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने भेजी मदद, रेलवे हेल्थ यूनिट को मिले पीपीई किट। और कड़वी सच्चाई भुगत रहे कोरोना वॉरियर्स, बड़े बड़ों के वादे और दावों के बीच दरबदर भटक रहे स्वच्छता के सैनिक। ये थी हमारी अब तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।